नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल टेक्निकल विद इंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम सीखते हैं कि यदि आपका एक सिम में नंबर पड़ा हो, मान लिया आपके मोबाइल में आजकल स्मार्टफोन में दो सिम रहते हैं, तो मान लिया कि आपका एक सिम से दूसरे सिम में आप चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट को एक्सपोर्ट करना। मतलब मान लिया आपके पास दो सिम है, पहला सिम आप चाहते हैं निकाल देना या नहीं यूज करना चाहते हैं, आपके पास तब दूसरा सिम रह जाएगा, और आप चाह रहे हैं कि निकालने से पहला सिम निकालने से पहले आप चाह रहे हैं उसका सारे कॉन्टैक्ट आपके पास दूसरे वाले सिम में आ जाए। तो एक सिम से दूसरे सिम में कैसे सारे कॉन्टैक्ट हैं वो कैसे कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, तो वो चीज़ें हम जानेंगे। ताकि पहले क्या होता था, लोग को देख मैंने कई बार देखा है कि लोग क्या करते थे, एक एक कॉन्टैक्ट उठा के और एक सिम से दूसरे सिम में कॉपी करते थे। लेकिन आप चाहे तो एक ही बार में ही सारा कॉन्टैक्ट एक सिम से दूसरे सिम में कॉपी हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं कैसे होगा। और सबसे पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊँगा और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ रहेंगे आने वाले टाइम में। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो आइए सीखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं गया सेटिंग में। सेटिंग में यहाँ पर ऊपर एक सर्च बार बना रहता है सेटिंग में। सेटिंग में जब सर्च बार बना रहा है, यहाँ पे आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट करके, आप कॉन्टैक्ट टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। देखिए मैंने कॉन्टैक्ट टाइप किया और सर्च किया। देखिए आप एक काम कीजिएगा पूरा, हाँ देखिए एक कॉन्टैक्ट मैंने सर्च किया यहाँ पे। जब आप सर्च करेंगे तो इसमें सारे जो भी रिजल्ट आएंगे इसमें देखिएगा, आप कहीं भी आपको मिल जाएगा एक जगह कि कॉन्टैक्ट सेटिंग मिल जाएगा। देखिए ये सामने जो थर्ड नंबर पे है मेरा कॉन्टैक्ट सेटिंग्स, तो ये थर्ड नंबर मिल जाएगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट सेटिंग्स पे। तो देखिए यहाँ पे आप जाएंगे तो उसके बाद क्लिक करने के बाद से आपको असाइन कॉन्टैक्ट फोटोज़, आपको कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर फ़ोटो असाइन करना है, तो उस पर इसको ऑन कर देंगे। उसके बाद आप उस पर असाइन कर सकते हैं डिस्प्ले फ़ोटो एंड फो। इससे क्या होगा, पहले वाले डिस्प्ले फ़ोटो डिस्प्ले होंगे, किसी का मतलब कॉल आता है या जाता है तो उस पर। देखिए यहाँ पे हाँ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब एक कॉपी एक सिम से दूसरे सिम में कॉपी कैसे करें वो चीज़ देखते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ इम्पोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पे इम्पोर्ट कोई चीज़ आप स्टोरेज से आपका जो मोबाइल मेमोरी है वहाँ से इम्पोर्ट करके कहीं और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसके लिए, और सिम से कोई नंबर है ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर कॉन्टैक्ट इम्पोर्ट, तो यहाँ पे दोस्तों मेरा क्या है कि अभी ये जो मोबाइल है मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसको जो भी सिम में मेरे नंबर था उसको एक सिम से दूसरे सिम में मैंने इम्पोर्ट करके एक्सपोर्ट कर लिया, इसलिए मेरे में इसमें मिसमैच नहीं है। मतलब दोनों जो मेरा नंबर है वो दोनों सिम में है, अवेलेबल है। इसकी वजह से यहाँ से ऑप्शन दिखा नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाता है इम्पोर्ट का, इम्पोर्ट फ्रॉम सिम वन, इम्पोर्ट फ्रॉम सिम टू, और नीचे फिर एक ऑप्शन दिखाएगा एक्सपोर्ट टू सिम वन, एक्सपोर्ट टू सिम टू। तो आपको क्या करना है, यदि एक सिम से दूसरे सिम में डालना है उसके साथ ही उसका ऑपरेटर भी दिखाएगा कि एयरटेल और आइडिया। मान लिया आपके पास आइडिया है और एक एयरटेल का सिम है, दो सिम है, तो आप चाहते हैं कि एयरसेल सिम से आइडिया में डालना, तो आप क्या करेंगे, जो इम्पोर्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट इम्पोर्ट फ्रॉम सिम वन रहेगा एयरटेल, मान लिया एयरटेल है सिम वन, तो वहाँ से इम्पोर्ट वाले पे आप कॉपी कर देंगे इम्पोर्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट वन, वहाँ से आप जैसे क्लिक करके कॉपी करेंगे सारा कॉपी हो जाएगा। उसके बाद से फिर नीचे आप जाएंगे तो लिखा हुआ उसमें एक ऑप्शन होगा कि एक्सपोर्ट टू सिम टू आइडिया, और नीचे छोटा सा आइडिया लिखा रहेगा उसमें, तो उसमें आप एक्सपोर्ट वाले फिर क्लिक कर दीजिएगा, तो जो भी आपका इम्पोर्ट रहा होगा पहले सिम से दूसरे वाले सिम में एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर चूँकि ऑप्शन नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, हम ऐसे डमी एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करके फिर मैं आपको एज ए एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि मैं एक कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है।
देखिए मैंने सिम कार्ड 2 में एक कॉन्टैक्ट सेव करने जा रहा हूँ, ठीक है। नाम मैंने दे दिया, ट्रिपल ए नाम दे दिया, ठीक है। फ़ोन नंबर दे दिया 99 99 99, ठीक है। हमने 10 बाय 99 कर दिया ऐसे, इसको हमने क्रिएट कर दिया, एक क्रिएट हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें ये जो आइडिया सिम 2 में मैंने इसको क्रिएट किया है, जो कि आइडिया का सिम है मेरा, तो अब इसको मुझे क्या करना है, सिम 1 में इम्पोर्ट करना है। तो फिर हम बाहर जाएंगे, फिर हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में आप यहाँ कॉन्टैक्ट करके आप सर्च करेंगे, तो ये कॉन्टैक्ट सेटिंग में जाएंगे। देखिए यहाँ पे आ गया ना, मैं बोला था आपसे, देखिए यहाँ पर लिखा है, थर्ड नंबर पर जाएंगे, इम्पोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट। तो इसमें जाएंगे आप, इसमें मैं गया। अब देखिए मैंने वो नंबर डाला था, किस में डाला था, आइडिया में, सिम 2 में। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना, सिम 2 से सिम 1 मैंने आइडिया से एयरटेल में कॉपी करना है। तो मुझे सबसे पहले उस नंबर को इम्पोर्ट करना पड़ेगा जहाँ पे मैंने सेव किया है, मैंने आइडिया में सेव किया था। तो देखिए ऊपर से तीसरे नंबर पर लिखा है इम्पोर्ट फ्रॉम सिम कार्ड 2, तो सिम कार्ड 2 से हम उसको इम्पोर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने उसको कॉपी किया था, उसको रखा था उस नंबर को आइडिया 2 में, आइडिया में सिम कार्ड 2 में। तो अब चलिए इस पे इम्पोर्ट पे क्लिक करते हैं, इम्पोर्ट फ्रॉम सिम कार्ड 2। अब इसमें पूछ रहा है, इसमें आप मेल आईडी का आप दे दीजिएगा, मतलब मेल आईडी से और एमआई अकाउंट से वो पूछता है, तो आप उस पर कर देंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, जितना आपको से आपको यदि 2 नंबर इम्पोर्ट करना है, एक कॉपी करना है एक सिम से दूसरे सिम में, 4 नंबर जो भी नंबर है यहाँ पर ऑप्शन आएगा, जितने करना है आप कर दीजिएगा, तो आपको जितनी ज़रूरत है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट, ऊपर देखिए ऑप्शन है सिलेक्ट, मैंने सिलेक्ट ऑल किया, मैं पूरा करना चाह रहा हूँ। हमने इम्पोर्ट कर लिया, नीचे इम्पोर्ट का हो रहा है उस पर क्लिक कर दिया इम्पोर्ट। अब देखिए इम्पोर्ट होने लगा, देखिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं, देखिए इम्पोर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है कि एयरटेल में जो सिम कार्ड मेरा 1 है उसमें मुझे कॉपी करना है, ले जाके पेस्ट करना है उसमें। तो सिम कार्ड 2 में, मतलब सिम कार्ड 2 से सिम कार्ड 1 में मुझे नंबर डालना था। देखिए हम एयरटेल में जा रहे हैं, एक्सपोर्ट बोल लिख रहा है, एक्सपोर्ट टू सिम कार्ड 2, हम ओके कर देंगे। देखिए हो गया। अब देखिए अब मेरा नंबर एयरटेल में आया कि नहीं आया, जो हमने देखिए सॉरी, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रहा है एक्सपोर्ट जब हम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे दे रहा है जो भी नंबर आपको एक्सपोर्ट करना, जो भी आपने इम्पोर्ट किया था उसमें से कितने नंबर आपको एक्सपोर्ट करने हैं, तो वो सारा ऑप्शन है। तो मैंने सेलेक्ट ऑल कर दिया, ओके कर दिया, सेलेक्ट ऑल ओके। देखिए 1 ट्रांड, एक ही नंबर, क्योंकि मेरा पहले से सारा ट्रांसफर था, एक नंबर जो मैंने नया क्रिएट किया था ट्रिपल ए का, वो नंबर मेरा ट्रांसफर नहीं था सिम 1 में। देखिए लिखा है 1 1 ट्रांसफर्ड 32 डुप्लीकेटेड, फिर हमें ओके कर देंगे इसको। अब देखिए फिर हम बाहर आ जाएंगे सेटिंग से, अब देखते हैं ट्रिपल ए, देखिए यहाँ पे हम ट्रिपल ए नाम से हमने सेव किया था अपने नंबर को। अब देखिए इसमें देखिए बगल में थोड़ा सा ये तीर टाइप का बना हुआ है, फिर हम इससे जाएंगे अंदर और फिर हम ये देखेंगे। देखिए ये क्या है, देखिए हम नीचे एडिट वाले क्लिक करेंगे, एडिट वाले देखिए सिम कार्ड 2, ये इम्पोर्टेड फ्रॉम सिम कार्ड 2। तो आपने देख लिया कि देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे 3 नंबर, देखिए यहाँ पे सिम कार्ड 2 कॉन्टैक्ट ट्रिपल ए पे, देखिए यहाँ पे ट्रिपल ए लिखा हुआ है, सिम कार्ड 2 कॉन्टैक्ट, फिर लिखा है ट्रिपल ए, फिर 3 ट्रिपल ए का 3 बने हुए हैं ना यहाँ पे। तो देखिए थर्ड नंबर हमने क्या किया, नंबर फर्स्ट वाले पर लिखा सिम कार्ड 2 कॉन्टैक्ट, मैंने सिम कार्ड 2 से हमने सिम कार्ड 1 में कॉपी किया था। तो देखिए यहाँ पे अभी मेरा नंबर क्या हुआ है, अब एक ही जगह सेव किया था, लेकिन आप देखिए मेरा नंबर दोनों सिम में है, सिम कार्ड 1 में भी है, सिम कार्ड 2 में भी है, क्योंकि हमने सिम कार्ड 2 से सिम कार्ड 1 में कॉपी किया था। तो इस तरीके से आप चाहे जितने भी कॉन्टैक्ट एक बार में ही एक सिम से दूसरे सिम में या फ़ोन मेमोरी में भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते, मतलब कॉपी कर सकते एक ही बार में, आपको एक एक नंबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरह से आपने सीखा कि कैसे एक सिम से दूसरे सिम में कैसे कॉपी करते हैं एक ही बार में। तो फिलहाल इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, मैं
ट्राई करूँगा कि आपके कमेंट का जवाब देने का। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं, और साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। चलिए अंत करते हैं, थैंक यू।